हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप पीवीसी में कार्ड प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सीखने के लिए आपको हमारे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा फोटोशॉप ओपन। जैसे दोस्तों आप फोटोशॉप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास एडोब फोटोशॉप 7.0 वाला है, तो हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपना पेज ओपन हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, सबसे पहले अपने को जैसे करना है अपना कार्ड प्रिंट, तो उसके लिए अपने को जाना होगा फाइल पे, यहाँ पे ओपन पे करके अपने को क्लिक करना है। या फिर दोस्तों आपको मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा कि जैसे दोस्तों अपने को ये जनाधार प्रिंट करना है, तो दोस्तों इसके लिए अपने को इसको कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे अपन माउस का राइट बटन दबाते हैं और सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बता रहा है विड्थ आ रही है तो 8.5 सेंटीमीटर अपने को रखना है और हाइट रखना है 5.5 सेंटीमीटर अपने को हाइट रखना है। और रेजोल्यूशन की बात करें तो अपने को यहाँ पे 200 रखना है और इसको क्रॉप कर लेना है। जैसे दोस्तों अपन इस कार्ड को क्रॉप करेंगे तो जैसे अपन इसको क्रॉप कर लेते हैं और एंटर दबा देते हैं, उसके बाद में दोस्तों कार्ड अपना फिक्स साइज में क्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट भी आपने कार्ड को ले सकते हो कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो ये ब्लैंक ब्लैंक है यहाँ पे आपको डबल बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका कार्ड शो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये बता रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप पे आपका कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसे आपका कार्ड ले लेना है और इसको माउस का राइट बटन क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में विड्थ पे आपको 8.5 सेंटीमीटर रखना है और 5.5 सेंटीमीटर ये रख के अपने कार्ड को क्रॉप कर लेना है। जैसे आप कार्ड को अपने को क्रॉप कर लेते हो, जैसे कार्ड को क्रॉप किया, एंटर किया और इसको क्रॉप कर लिया, उसके बाद में आपको न्यू पेज लेना है। तो फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4x6 ले लेना है। जैसे आप 4x6 पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। या फिर दोस्तों आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ रोटेट कैनवास पे 90 डिग्री CCW करना है। उसके बाद में आपको कार्ड को कंट्रोल माइनस करके छोटा कर लेना है, कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल पी कर देना है। कंट्रोल पी करने के बाद में आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और आपका जो प्रिंटर है, जैसे मेरा प्रिंटर है कैनन G2010 सीरीज, तो इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके अपन इसको जो कार्ड को लेके फोटो प्रिंटिंग करके और जो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है अपनी क्वालिटी इसको हाई करके पेपर साइज में अपन को कार्ड ये नीचे वाला ले लेना है। उसके बाद में अपने वो प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अपना कार्ड पीवीसी में अपने प्रिंटर से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई कार्ड प्रिंट करने में समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और लेटेस्ट ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप अपने वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। धन्यवाद।